नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकंड ईयर पेडागॉजी और पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे जो सामान्य टेक्निक का उपयोग है इसको हम रीडिंग के तौर पर देखेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि जो सामान्य टेक्निक है इसके उपयोग में इसका शैक्षिक उपयोग किस तरीके से बालकों के लिए, शिक्षक के लिए, संस्था के लिए, या हम कह सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उपयोग में आता है, तो बच्चों को किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ना और बच्चों को किस तरीके समय के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए सामान्य टेक्नोलॉजी बच्चों को काफी कुछ सिखाती है। इसका उपयोग करने से हम देखते हैं कि हमारे लिए पहला टैलेंट डेवलप हो जाता है, हम इसका यूज करना सीख जाते हैं, प्लस हम एक नवीन और जो एक्स्ट्रा नॉलेजेस होते हैं उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जो एरिया है काफी बढ़ जाता है। इसमें आज के हम सामान्य उपयोग में कुछ अदर यूज है, अन्य उपयोग है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि जब सामान्य टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं तो इसका उपयोग सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से नहीं, कुछ अदर तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। इसके प्रयोग के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारे कार्य प्रणाली है या हमको बहुत कुछ हमको बहुत ही सहूलियत मिली है, हमको फायदा मिला है, हमको जो कार्य है उस कार्य को करने में काफी कुछ हमको सरलता प्राप्त हो रही है। उसके जो अन्य उपयोग है इसको हम समझ लेते हैं। पहला है सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान, सामाजिक सोशल नेटवर्क है, सामाजिक नेटवर्क है, इससे हमको सामाजिक व्यवस्था ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आज इस सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, बहुत से ऐसे हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशल यानी समाज के संदर्भ में, जैसे मान लो समाज ने कुछ गुरु दिया है या समाज में कुछ पिछड़ापन है या समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर किया जाता है, उसकी पोस्ट डाली जाती है, उसको लोगों तक सामने लाया जाता है, समाज की कमियों को बाहर लाया जाता है, इससे समाज को एक नई दिशा मिलती है, लोग उससे प्रतिक्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप फिर सरकार प्रशासन उसमें आगे आता है और कहीं ना कहीं उस समाज के विकास में योगदान देता है। ऐसे जैसे हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्क पर बहुत सारे एक या दो व्यक्ति आपस में कुछ डिस्कस करके या ग्रुप बनाकर ग्रुप से कुछ ना कुछ इसमें कार्य होता रहता है ताकि बदलता रहता है। तो सामाजिक व्यवस्था क्या होता है हमको ये पता रहता है कि हमारे साथ साथ जो अन्य सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन आया है, लोगों मतलब उसमें क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इस सारी सारी बातें हमको जानने को मिलती है। तो ये पहला इसको उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। सेकेंड है इसका संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान, कल्चर एवं जो भी हमारी सभ्यताएं होती है संस्कृतियां होती है उसका हमको बेहतर तौर पर नॉलेज मिलता है। हमको हमारे संस्कृति के अलावा हमारे देश जिसे हमको पता है कि हमारा देश विविधता वाला देश है, एकता है, तो हमको हमारे पूर्व की संस्कृति हो या हमारे उत्तर की संस्कृति, दक्षिण की संस्कृति, मध्य की संस्कृति, हमको विभिन्न लोगों की समुदायों की संस्कृति और सभ्यताओं का प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम इस सोशल नेटवर्क या इसके माध्यम से हम हमारी पुरानी संस्कृतियों को भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। हम विदेश में कौन सी संस्कृति कौन से द्वारा जाते हैं आज हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्क जब से टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, युग में परिवर्तन हुआ है, तो जो त्यौहार और पर्व है वो काफी हद तक लोगों के साथ घुल मिल गए। हमारे त्यौहार विदेशों में मनाए जाते हैं, कुछ विदेशी त्यौहार है जो यहाँ में नहीं मनाया जाता है, और फिर मतलब जो संस्कृतियाँ लोग पालते हैं जो अब अपनी एक अलग पहचान बना रही है और जो काफी हद तक कॉमन हो चुकी है। इस तरीके से हमको हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ हमको अन्य लोगों की, अन्य देशों की, अन्य जो सभ्यता है उसको भी जानने को अवसर प्राप्त होता है, संस्कृति हमको जानने के अवसर प्राप्त होता है। तो ये काफी हद तक मतलब चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वही सोशल नेटवर्क ने उस चीज को काफी हद तक लोगों को एक दूसरे के पास ला दिया। अगला है
रुचिपूर्ण विषयों अध्ययन रुचिपूर्ण विषयों का सोशल नेटवर्क अपने आप में इतना मतलब उसका जो एरिया है बहुत ही फैला हुआ है कि इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो कुछ इसे प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं ज्ञान, वो हमको आसानी से मिल जाता है। अगर बच्चों की बात करें, सामान्य जो लोग कुछ जानना चाहते हैं वो उसको बहुत आसानी से इसके माध्यम से प्राप्त कर देते हैं। तो रुचिपूर्ण विषयों का अध्ययन बच्चे को जरूरी नहीं है कि उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसको उसको इंटरेस्ट वो तो मिलेगी। इसके अलावा जिसको इंटरेस्ट लगता है, मान लो कुछ और कर रहा है लेकिन वो कुछ और जानना चाहता है, तो उसको आसानी से वहाँ प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ अगर जानना हो तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो रुचिपूर्ण विषयों का अध्ययन यहाँ पर होता है। सोशल नेटवर्क अपने आप में रुचिपूर्ण है क्योंकि इसके प्रयोग करने से बालकों में काफी इंटरेस्ट क्रिएट होता है और ये इंटरेस्ट उसको आगे की मतलब नॉलेज प्राप्त करने के लिए आगे से उसको मोटिवेट करती है। इसके साथ ही बच्चा अगर कुछ और अगर कुछ जानना चाहता है और कुछ जैसे मानव साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है तो उसकी अपनी सोच के हिसाब से हिस्ट्री का नॉलेज ले सकता है, कौन सा स्टूडेंट कुछ और जानना चाहता है, यानी कि इसमें कोई एरिया फिक्स नहीं है। बच्चों जो जानना चाहता है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रोजगार। जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर काफी हद तक लोगों के सामने है। हम ये समझ सकते हैं कि आज कोई भी वैकेंसी आती है, रोजगार आता है तो लोगों से छुपा हुआ नहीं है क्योंकि सोशल नेटवर्क के माध्यम से पल चमकते ही उसके आने से पहले लोगों के पास सूचनाएं पहुंच जाती है। तो काफी हद तक एडवांस समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो कुछ समय पहले की हम बात करें, 10-15 साल पुरानी बात करें, तो जो वैकेंसी आती है लोगों को पहुंच रही है, मतलब उससे मतलब अज्ञात उससे अज्ञान रहते थे, उसको नहीं जान पाते थे और वो कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर उसको फिल करना होता था, तो वो भी काफ़ी लोग अपने आप में दिक्कत पैदा करते थे, तो उसको कम से कम भर पाते थे, उसको जल्दी से नहीं भर पाते थे। लेकिन सोशल नेटवर्क के माध्यम से हमारे पास की नोटिफिकेशन से लेकर उसके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उससे रिलेटेड पूरा उसका एग्जामिनेशन जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारा का सारा मिल जाता है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहज रूप से एक स्थान पर बैठे बैठे हम काफ़ी हद तक उसको प्राप्त कर देते हैं। हम देखते हैं कि जॉब अलर्ट जैसी साइट है, बहुत सी ऐसी होती है जिसमें हमको बहुत अलग अलग एरियाज जॉब के बारे में नॉलेज मिलता है, साथ अदर अदर स्टेट में कौन कौन सी जॉब आई है, कौन कौन से मतलब रेट आए, सारा का सारा आपको नॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाता है। साथ सोशल नेटवर्क के माध्यम से स्टूडेंट को इस रोजगार के अवसर के साथ साथ रोजगार के लिए कैसे तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को कैसे आगे लाना, ये सारा का सारा जो नॉलेज है वो उसको यहाँ से आसानी से मिल जाता है। अगला है साथ ही जब फॉरेन में कोई
उद्योगों के ज्ञान के साथ साथ उद्योग स्थापना का उद्योग स्थापना का ज्ञान, इंडस्ट्रीज को किस तरह से स्थापित किया जाए उसकी उसके बारे में नॉलेज मिलता है। यदि कोई अपने उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं और उसको कहीं ना कहीं समस्या से मिल रही है, प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो किसी ऐसे पर्सन जो उस इंडस्ट्री में काफी एक्सपर्ट है और उसने अपनी एक आगे ग्रोथ करी है, अपनी कंपनी बना रखी है, उसके बारे में जानकर उसने कैसे और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने आप को एक नया रास्ता बनाया दिया, ये सारा सारा नॉलेज उसको इस सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, सोशल नेटवर्क के माध्यम से मिल सकता है। तो एक व्यक्ति विशेष को अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो समस्या आ रही है उस समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए उसको काफी हद तक एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अगला इसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का जो नॉलेज है हमको सोशल मीडिया से ऐसा मिलता है, किसी पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस एरिया में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास होते जा रहा है, उसमें जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान और हानिपूर्ण नुकसान के बारे में हमको काफी हद तक जानने को मिलता है और उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, लोगों कैसे साथ आना है। हम देखते हैं कि आज के लोगों का पॉल्यूशन हो रहा है, प्राकृतिक नुकसान हो रहा है, लोग आपस में जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं और एक अलग क्रांति पैदा कर रहे हैं कि हमको पेड़ों की रक्षा करनी है, प्राकृतिक वन्य जीवों की रक्षा करनी है, संरक्षण प्रदान करना है। इस तरीके से जब लोगों को इसका नॉलेज मिलता है तो नॉलेज के साथ साथ उसके संदर्भ में उसको मतलब संरक्षित करने के लिए किस तरह से आगे आना है ये सारा का सारा लोग समझते हैं और इस तरह एक ग्रुप क्रिएट करके लोग उसमें एक आगे आकर उसके संरक्षण में योगदान देते हैं। अगला इसमें उद्योगपतियों में समन्वय, उद्योगपतियों में समन्वय कि उद्योगपति आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनके समन्वय स्थापित होता है और किस तरीके से मान लो कि दो उद्योगपति हैं आपस में जुड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं और एक साथ एक मतलब अपनी पार्टनरशिप के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उद्योगपति मान लीजिए कोई अदर एरिया में रह रहा है और कोई अदर पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो इस तरीके से दो उद्योगपति सोशल मीडिया से जुड़कर कैसे काम करना है, प्लानिंग करनी, डिस्कशन करना, इसके संदर्भ में कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगला है व्यापार प्रगति, व्यापार की प्रगति, व्यापार व्यापार में प्रगति आगे लाने के लिए किस तरह से बिजनेस में हम ग्रोथ करना चाहते हैं, व्यापार में प्रगति लाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम सोशल नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं। हमको मान लीजिए जिसे मान लो किसी व्यापार में लॉस हो रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसको कुछ आगे मतलब कैसे व्यापार को हैंडल करना है इसके बारे में बता देते हैं, उसको मतलब ज्ञान नहीं है तो सोशल नेटवर्क का सहारा लेकर
प्रकार की बातें हैं, राय है, उसको समझ कर जान करके उसके बारे में कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक सामान्य बात है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक को अपने शिक्षण करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो उसको नॉलेज तो है, लेकिन क्लास रूम का जो एनवायरमेंट है, बच्चे है, वो उसको हैंडल करने में, टैकल करने में थोड़ी सी समस्या सामना करना पड़ रहा है। तो इसके संदर्भ में वो ऑनलाइन का सहारा लेकर करके कुछ अलग वीडियोज देख करके साइकोलॉजिकल नॉलेज ले लेके वो समझ सकता है, जान सकता है और किस तरीके से बच्चों को टैकल करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ साइकोलॉजी कैसे बनना, ये सारा का सारा नॉलेज टीचर अच्छे से जान सकता है। अगला है पर्यावरणीय समस्याओं समाधान। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, जब अपने कुछ समय में प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपने बात करना, तो प्राकृतिक शब्द पर्यावरण होता है, पर्यावरण सामाजिक हो सकता है, पर्यावरण प्राकृतिक हो सकता है, पर्यावरण राजनीतिक हो सकता है, तो अलग अलग संदर्भ में जो एनवायरमेंट होता है, ठीक है, पर्यावरण का एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है, तो उस एनवायरमेंट के बारे में जान करके उस एनवायरमेंट की समस्या से उसे पहले पर्यावरण की जो समस्या है, उस एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसके समाधान के संदर्भ में लोग एक साथ आगे आ सकते हैं। राजनीति से मान लो राजनीति का समय चल रहा है, यानी कि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय में लोग जो प्रॉब्लम होती है कि नेता को चुनना, सरकार गठन कैसे करना, या उनको कुछ सोच कुछ उनको लाना, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपस में मतलब आपस में जुड़ करके उसके समाधान को आगे आ सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण तक समझ सकते हैं, प्रकृति पर्यावरण जो प्रकृति का हास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए उसको आगे मतलब उसके सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह से आगे आना, इसके लिए भी लोग आगे आ सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग संदर्भ में लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अपने नहीं इस समाज और देश और इस वैश्विक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आगे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना समय में जो समस्या आई, उस समस्याओं के अंदर सारे देश किस तरीके से आगे आया, मतलब एक साथ जुट हुए लोग, किस तरह जुट हुए लोगों ने अपने आप को कैसे समझा। आज हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी गिनती है क्या, लेकिन लोगों ने एक एक लोगों ने मतलब अपने आप को इतना संभाला कि घर में बैठे लॉकडाउन का समय आया, तो उस समय हम कह सकते हैं कि लोग प्रॉब्लम को समझते हैं और जिसने इस प्रॉब्लम को समझा है उसने इस परिस्थितियों का भी सामना करा है। अगला है रिच संगठनों का विविध संगठनों का निर्माण, संगठन जो होते हैं उन संगठनों के निर्माण, उन संगठनों के निर्माण में भी लोग आगे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, लोगों की कार्यप्रणाली अलग अलग होती है, लोगों की एक अलग मतलब पहचान होती है, उसके संदर्भ में लोगों ने अपने अपने संगठनों का निर्माण किया है, ग्रुप का निर्माण किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। हम देखते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अलग अलग संगठन की ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, जिसमें ज़्यादा डिस्कस करना है उसको पता है कि किस ग्रुप डिस्कस क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ जो अलग अलग समय प्रति उत्पन्न होती है उसके हिसाब से लोग आपस में जुड़ते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, तो संगठन निर्माण नॉर्मल की बात है समझते हैं, तो इसमें अलग अलग संगठनों का निर्माण होता है। अगला है विज्ञापन की सुविधा, विज्ञापन जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होता है, उस एडवर्टाइजमेंट की जो फैसिलिटी है, विज्ञापन की सुविधा है, वो भी हमको मिलती है सोशल नेटवर्क का सहारा लेकर। लोग अपनी पॉपुलैरिटी अपने विज्ञापन को आसानी से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग अपने जो ब्रांड है, ब्रांड को अगर नेटवर्क ऑनलाइन लिस्ट पर भी डालते हैं तो उसकी काफ़ी हद तक मार्केटिंग होती है और उसको ऑडियो होती है। और आज इस चीज़ को विज्ञापन की सुविधा भी थी, इसके साथ साथ लोगों ने ऑनलाइन उस वस्तुओं के ले अदर लेन देन में भी अपने दिया है। और हम देखते हैं कि हम जो अवैध प्राइस करते हैं, जैसे जो प्लेटफॉर्म है उससे
लोग घर बैठे भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं। इस तरीके से काफी हद तक चेंजेस आया है और इसमें परिवर्तन भी आ रहा है। मित्रता एवं घनिष्ठ संबंधों में मित्रता एवं घनिष्ठ संबंधों में उपयोग। मित्रता और घनिष्ठ यानी कि लोगों ने अपनी मित्रता और घनिष्ठ संबंध में किस तरह सोशल का उपयोग किया यह अच्छे से समझ सकते हैं और इस बात से हम पूछ सकते हैं कि आज मतलब लोग इस नेटवर्क के माध्यम से आपस में काफी तक जुड़े हैं। और लास्ट इसमें सामान्य सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है समाज के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी सोशल नेटवर्क की काफी हद तक यूज जाती है। तो इस तरीके से हमें आज क्लास में जाना कि जो सामाजिक नेटवर्क है सामाजिक जो अदर यूज है एजुकेशन से अलावा वो अदर यूज किस तरीके से और हमारे हमारी लाइफ में भी सामाजिक किस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है सामाजिक नेटवर्किंग के अन्य उपयोगों को स्पष्ट तो स्टूडेंट्स सामाजिक नेटवर्क अदर यूज क्या है जो आज क्लास में आने इसके बारे में आपको असाइनमेंट करना स्टूडेंट को ऑलरेडी समझ आ रहा है। इसमें आप सरकारी नियमों का पालन करें अपने आप को सोशल रखें इसके साथ थोड़ा सा जांच पाई। थैंक यू।